अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुसरत, एलिगेंस लैंडिंग फोरम। आज हम एक नए पॉडकास्ट के साथ एक न्यू और बहुत एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, बहुत डायनेमिक, बहुत डाइवर्सिफाइड सैयद फहद, जिनको हम डॉक्टर ऑफ मीडिया भी कह सकते हैं। ही इज नॉट ओनली मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, ट्रेनर, ब्रांड एम्बेसडर, एक्टर, मॉडल, एंटरटेनर, होस्ट, डायरेक्टर, सेलिब्रिटी मैनेजर, ट्रेवलर, इवेंट मैनेजर, लाइव प्रोड्यूसर, और इंशाल्लाह ताला मैं यहां से जब नेक्स्ट टाइम इनका ले रही होंगी एक और टाइटल लग चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक था, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। पहले तो ये बताइए कि इतना सब कुछ ले लिया, बहुत सारे टाइटल्स आ गए, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या और क्या पीछे एक लगन थी कि जिसने कहा कि नहीं फहद, इट्स नॉट ओनली फॉर नॉर्मल एक इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, फहद कुछ और है। अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं और थोड़ा सा अपना कुछ जॉब आपने की उसका थोड़ा सा जर्नी, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जी प्लीज, तो स्टार्ट करते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड से। आप जो आपने सवाल किया कि आपने ये कैसे सोचा कि मैं एक इंस्टीट्यूट के लिए नहीं हूँ या मैं प्रोटेस्ट क्या था सब चीजें करने का, तो सबसे पहले तो हमेशा ये बात था कि हर इंसान दुनिया में कोई प्रोटेस्ट के लिए आया है। तो मुझे शुरू से ही बचपन से ऐसा लगता था कि जब मैं लोगों को देखता था जो एक ही काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक और फिर रात को घर जाते हैं, सोते हैं, फिर अगले दिन फिर सुबह से वही काम करते हैं, मैं शुरू से ही थोड़ा सा तजस्सुस था, थोड़ा सा मुझे एक फील होता था कि ये ऐसा क्यों है, ये लोग कुछ और क्यों नहीं करते हैं, क्या इनका जिंदगी का मकसद ये है। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस ये था कि अपने आप को डिस्कवर करना और पर्पस को डिस्कवर करना कि आप क्यों इस दुनिया में आए। नाउ कमिंग टू द एजुकेशन, मैंने स्टार्ट किया था अपनी स्कूलिंग साइंस से, लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से क्या हो रहा था कि बिजनेस की तरफ बन जाता। तो व्हेन आई काइंड ऑफ मूव्ड इनटू कॉलेज एक्चुअली, तो जब मैं अपना इंटरमीडिएट कर रहा था कॉमर्स में, देन आई फेल्ट कि मेरी बेस जो है ना वो कॉमर्स में नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है। हर कोई आके मुझे कहता था कि आपकी स्कूलिंग साइंस की और आप यू नो कॉमर्स में जा रहे हैं तो प्रोबेबली यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन गेटिंग गुड ग्रेड्स एंड ऑल। तो मैंने फिर अपनी स्कूलिंग दोबारा प्राइवेटली कॉमर्स में कंप्लीट की। जब मैंने अपना इंटर किया फिर मैंने बैचलर स्टार्ट किया अपना बीबीए मार्केटिंग के अंदर। मैं जब वो कर रहा था तो फिर मैंने नोट किया कि आगे इंडस्ट्री में, मार्केट में, जॉब मार्केट के अंदर, यूनिवर्सिटीज में आगे फ्यूचर के अंदर एक सर्टेन रिक्वायरमेंट और मिनिमम 3.0 जीपीए उनकी एक चाहिए होती है, सीजीपीए, जो इत्तेफाक से मेरी नहीं बन पा रही थी फॉर सर्टेन रीजन। तो आई वॉज लाइक यार क्या करूं, तो मैंने क्या किया प्राइवेटली बीकॉम स्टार्ट कर दिया ताकि मेरे पास अगर इन केस गॉड फॉरबिड बीबीए में मेरी सीजीपीए 3.0 नहीं होती तो आई कैन यू नो कंपनसेट थ्रू माय बीकॉम डिग्री। तो वो फिर जर्नी चलती रही। तो जब मैं वो करता रहा मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी, विल कम बैक टू दैट। फिर बीबीए और बीकॉम के फॉरन बाद ही मुझे स्कॉलरशिप मिल गई एमबीए के लिए मार्केटिंग के अंदर, तो मैंने अपना एमबीए मार्केटिंग के अंदर किया। ठीक ठीक, और आपको जो था आपने अभी अपनी बात में कहा कि मैंने डिस्कवर किया, नॉर्मली अनफॉर्चुनेटली वी आर द नेशन, वी आर वेरी टैलेंटेड, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है। ये डिस्कवर का वर्ड आपने कहा, तो एक जर्नी आपकी स्टार्ट हुई साइंस के स्टूडेंट से, बीकॉम से, देन यू बिकम लाइक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इट्स एंटायरली डिफरेंट। फैमिली ने रेजिस्टेंस भी किया होगा, बट आपका एक और टाइटल है, यू नो बिकम एज द मीडिया डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर सुना, मेडिकल डॉक्टर सुना, होम्योपैथिक डॉक्टर, ये द मीडिया डॉक्टर के पीछे क्या राज है? चलो पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ जिसको आपने कहा डिस्कवर कैसे किया, देन आई विल कम बैक टू द मीडिया डॉक्टर एंड माय वर्क जर्नी, राइट? यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब वो डिस्कवर कैसे किया, देखिए कुरान में भी है और ये आपने और आपने बड़े बड़े स्कॉलर से भी सुना है कि आप हर बंदे का दुनिया में आने का मकसद है। आपने जैसे ये कहा कि हर बंदा टैलेंटेड है, बिल्कुल सही कहा, हर बंदे के पास दिमाग है, हर बंदे के पास नॉलेज है, हर बंदे के पास एक सर्टेन स्किल है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये डिस्कवर ही नहीं करते, उनको लगता है कि मैं दुनिया में आया हूँ तो 9 to 5 जो भी मैं कर रहा हूँ, या सुबह से शाम में जो काम कर रहा हूँ, या ठेला चला रहा हूँ, या सब्जी बेच रहा हूँ, या मैं कोई मजदूरी का काम कर रहा हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ, तो यही मेरी लाइफ है और इस पे ही मेरी लाइफ खत्म हो जानी है। लोग इस पे इत्तेफाक करते हैं, बिल्कुल, लोग इस पे ही समझते हैं कि जिंदगी का आगाज होना है और जिंदगी का इख्तिताम होना है। तो
पर हकीकत में बात दरअसल ऐसी नहीं है। हकीकत में ये कि आपका जिंदगी का मकसद हर आदमी का एक अलग है और वो सेल्फ डिस्कवरी से आता है। वो सेल्फ डिस्कवरी कैसे होती है, वो बहुत सारी चीजों से होती है। जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, आप रिलीजन को समझते हैं, आप साइंस को समझते हैं, आप जिंदगी के डेली सोशल इश्यूज में जाते हैं, लोगों की लाइफ को डिस्कवर करते हैं, फिर आप ट्रेवल करते हैं, फिर आप यू नो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सेल्फ डिस्कवर करने में हेल्प करती है। और स्पेशली जब आप अकेले होते हैं और अपने आप से बात करते हैं और आप अल्लाह ताला से बात करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझने को मिलती है, आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आपको लगता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इस पर हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में कभी बात करेंगे, मैं यूजुअली अपने सेशंस में बात करता हूँ। नाउ कमिंग टू मीडिया डॉक्टर, मीडिया डॉक्टर कैसे बना, वो ये था कि जब मैं अपनी एज ए मेंशन की मुझे बीबीए कर रहा था तो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। अब मैं जॉब कर रहा था उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी में, TCS जो कोरियर कंपनी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उसमें मैं मार्केटिंग में काम कर रहा था। अच्छा, वहां पर हम इवेंट्स करते थे, वहां पर हम वर्कशॉप्स करते थे, ट्रेनिंग्स करते थे, तो उन सब का मैं पार्ट होता था सफा। लेकिन बात ये हुई कि फिर इतफाक से जियो टीवी बन रहा था, जियो टीवी को एक्टर्स चाहिए थे क्योंकि तो नया चैनल बन रहा था। तो मैं ऑडिशन पे गया, मुझे सिलेक्ट किया गया एज ए मौलाना फजल रहमान। तो पाकिस्तान में सबसे बड़े पॉलिटिशियन है मौलाना फजल रहमान साहब, उनका पहले दफा टीवी पे करके मैंने प्ले किया जियो टीवी के लिए। तो वो मेरी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हो गई वहां से, कॉर्पोरेट जर्नी भी मेरे साथ चल रही थी। फिर उसके साथ साथ मैं ड्रामे करता रहा, एक्टिंग जैसे काफी एक्टिंग की, फिर मॉडलिंग की, कुछ कमर्शियल में शाही सफारी का कमर्शियल किया, जियो का कमर्शियल किया और बहुत सारे कमर्शियल्स किए। फिर म्यूजिक वीडियो में काम किया, फिर उसके अलावा ड्रामो को मैं असिस्ट किया एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, फिर खुद अपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ड्रामे बनाए, फिर शो होस्ट किए काफी टीवी के लिए, लाइव शो होस्ट किए, अखबारों में बहुत लिखा, फिर उसके अलावा इवेंट्स करवाए, फिर उसके अलावा सेलिब्रिटीज को मैनेज किया, फिर उसके अलावा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता रहा, मोटिवेशनल स्पीकिंग करता रहा। तो इस तरह से मेरी वो जर्नी भी चलती रही, फिर मेरी कॉर्पोरेट जर्नी भी साथ चल रही थी, पढ़ाई भी मेरी साथ चल रही थी, तीनों चीजें मैं साथ लेके चल रहा था अपनी ना। तो अक्सर भी होता था कि लोग जब मेरा प्रोडक्शन पूछते थे वो कहते थे तुम 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो, फिर 5 बजे के बाद तुम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ते हो, फिर 9 बजे के बाद तुम यू नो स्टूडियोज में मिलते हो, चैनल्स में मिलते हो, तुम हो क्या, तुम आदमी हो या मतलब जिन हो जो सोता नहीं है। जो मैंने कहा यार इतना टाइम है हमारे पास, दिन में 24 घंटे होते हैं तो उसको यूटिलाइज तो करना चाहिए ना। मैं वो 24 घंटे में से 12 घंटे आप समझे सो के गुजार दूँ और फिर उठ के 2 घंटे फ्रेश होने में लगाऊं, फिर उठ के दो, फिर उसके बाद में 2 से 3 घंटे अपने सुबह का नाश्ता खाना और रात के खाने में लगाऊं, तो 15 घंटे तो मेरे आप समझे 17 घंटे तो मेरे आप समझे ऐसे निकल गए दिन के। फिर बच्चे मेरे पास 7 घंटे, उसमें मैं जाके दोस्तों के साथ बैठूं, चाय पीऊं, गपशप करूं। तो ये सब चीजें थी और मेरे देख रहा था ये अलमिया हमारे मुल्क का भी और बहुत सारे मुल्कों का, जहाँ पे लोग टाइम की वैल्यू नहीं समझते। टाइम की वैल्यू के बारे में बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े उलमाओं ने बात की है और उसकी वजह यही है और कुरान में भी है कि टाइम की वैल्यू होनी चाहिए और वक्त की कदर करें, और हर जगह अलग अलग फोरम्स में स्कूल्स में इस पर बात हुई है। तो मेरे हमेशा वो चीज मुझे बड़ी पिंच करती थी, वो चीज हमेशा मुझे बड़ी मंकी ऑन योर बैक, मेरा हमेशा एक मंकी मेरे बैक पे होता था कि यार आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं काम कर रहे, सो क्यों रहे हो, इतना क्यों सो रहे हो, उठो काम करो जाओ, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। तो वो अब मैं सोचता था कि 2 घंटे 3 घंटे बैठे कुछ ना लिख क्यों ना लू। फिर इसी तरह से जब मैं पढ़ रहा था, आप इमेजिन करें मैंने CBM में एज ए स्टूडेंट जाकर लेक्चर दिया, जब मैं खुद पढ़ रहा था बैचलर, तो मेरे सामने सारे बैचलर्स मास्टर्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग टीचर्स, इंक्लूडिंग you know all the doctors and all. और फिर मेरे पैनल में जो लोग थे वो आप यू विल बी सरप्राइज, 2004 or 2005 का टाइम था, जहारा जी थी मैडम, जहारा जो पाशा की चेयरमैन थी, माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे। अब आप इमेजिन करें वो पैनल में वो सब लोग हैं और मैं एक स्टूडेंट हूँ जो पैनल में उनके साथ बैठा हुआ हूँ, और मैं बिल्कुल यू नो आई वॉज वेरी नर्वस के मतलब। अच्छा, जहारा मैडम से मैं बहुत दफा अलग अलग फोरम पे मिल चुका था TCS के थ्रू, क्योंकि जहारा जी बड़ी प्रोमिनेंट, बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत थी पाकिस्तान की, हैं भी माशाल्लाह उन्हें सेहत दे और आगे और अच्छा मकाम पे। तो वो हर जगह मिलती थी, बहुत अच्छी खातून थी, और मैं देखता था कि माशाल्लाह इतनी पैशनेट है। अब मैं उन्हीं के साथ
फोरम शेयर कर रहा हूँ और अपना पोडियम शेयर कर रहा हूँ, फिर माइक्रोसॉफ्ट के उस वक्त के सीईओ मौजूद थे, तो मैं अकेला स्टूडेंट था पूरे पैनल में, तो मुझे बड़ी नर्वसनेस हो रही थी, बट मैंने वो मैनेज किया किसी तरह। बट उससे ज्यादा नर्वसनेस और उससे ज्यादा चैलेंजिंग बात ये थी कि जब क्यू एन ए हुआ, सवाल जवाब हुए, तो जब सारे सवाल आए तो सारे सवाल मेरे लिए थे। ओके। और मैं बहुत ज्यादा उस वक्त, आपको पता है कि मैं, स्टूडेंट सारे क्यूरियस थे कि ये कौन सी बला उठ के आ गई और ये कौन है, तो हमारे जैसा ही है, हमारी एज का ही है, और फिर मैं, हमारे सामने सीईओ बैठा माइक्रोसॉफ्ट का, हमारे सामने चार अच्छी बैठी है पाशा की, बट ये कौन सी बला है कि इसने इतना क्या अचीव कर लिया और जो उनके साथ बैठा हुआ। तो आई थिंक लोगों को वो क्वेश्चन मेरी नॉलेज से ज्यादा क्यूरियोसिटी पे था कि ये कौन है, क्या है, तो सारे सवाल उन्होंने मुझसे पूछे। बिल्कुल। अब इमेजिन करें कि फॉर अ पर्सन लाइक जारा जी या माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ थे, इस वक्त मैं नाम बार बार बोलूँ, मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट सीईओ कह रहा हूँ, तो वो अब वो सब लोग ये हैरान थे कि हमारे लिए क्यों कोई सवाल आए, तो उनके लिए वो भी थोड़ी सी मतलब चैलेंजिंग बात थी कि आई मीन ऑफ कोर्स दे केम डाउन फॉर अ शो, राइट, दे केम डाउन टू स्पीक, दे केम डाउन फॉर अ टॉक, कोई सवाल उनसे भी नहीं, आई मीन, लेकिन बहरहाल वो चीज हुई। तो अब ये सब चीजें हो रही थी, मैं इतनी चीजें मीडिया में कर रहा था, तो लोग अक्सर सवाल पूछते थे कि आप कौन है भाई, आप पढ़ा भी रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज में इवेंट्स भी कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटरटेनमेंट सोसाइटी के हेड भी हैं, आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, आप शाम में ड्रामों में काम भी कर रहे हैं, फिर आप शो होस्ट भी कर रहे हैं, टीवी भी कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। देन उस पर सवाल यह था कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड, क्योंकि उन्होंने बोला तुम एक तो चीज भी बनना चाह रहे, क्योंकि जो तुम्हारी जर्नी है वो तो ये लग रही है कि तुमने कोई एक एक्टर को नहीं बनना, तुमने या तो हमेशा मॉडल नहीं बनना, या तुमने हमेशा ट्रेनर को नहीं बनना, तुमने कुछ और ही बनना है, तुमने एक मल्टीपल पर्सनालिटीज डेवलप करनी है अपने अंदर। अब तुम रात सुबह जाते हो तो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लुक में होते हो, तुम्हारा हुलिया बिल्कुल टाई सूट वाला होता है, शाम में आते हो तो तुम बिल्कुल ही अलग चीज होते हो, तुम्हारे बाल एक अलग स्टाइल में होते हैं, तुम्हारे कपड़े कुछ और होते हैं, तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो। और ये हुआ है मेरे साथ बात बता ना, जिन्होंने मुझे कॉर्पोरेट की दुनिया में देखा है, सूटेड बूटेड, उन्होंने मुझे लाइक कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे पता नहीं कोई शब्द उसका ट्विन तो नहीं है, क्योंकि वही बात है कि अब आप एक बंदे को सुबह देख रहे हैं प्रेजेंटेशन दे रहा है और बिजनेस की बात कर रहा है, और शाम में वो स्टेज पे डांस कर रहा है या स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो यू लाइक यार ये कौन सा बंदा है। तो ऐसे अक्सर हुआ है मेरे साथ शोज वगैरह में।